नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनेक्ट ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो भाई, आज की वीडियो में ये रहेगा, जो मेरा शाहजहाँपुरी कबूतर पेयर था, नर्व पेज कबूतर था, और उसको जो है काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन अब वो सही है। लगभग 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो 50% सही हो गया, और मैं उसका अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कबूतर है, ये देखिए, ये सही हो गया। पहले तो ये था कि ये अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था, तो अब तो ये चलने लगा है कुछ दवा देने के बाद। और ये जो वीट कर रहा था, बिल्कुल हरी वीट कर रहा था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसको जो है अलग कर दिया है, और 1-2 दिन और इसमें मैं रखूँगा, इसके बाद इसको जो है अच्छे कबूतरों के साथ मिक्स कर दूंगा। तो ट्रीटमेंट जो है भाई, अभी मुझे 2 दिन हुए ट्रीटमेंट करते हुए, और इसके अंदर काफ़ी सुधार भी आ गया है, और इसने जो है दाना भी आज कुछ खाया है, उसमें मैंने दाना रखा था, दाना भी कुछ खाया है। ये देखिए, अभी भी वो बैठ रहा है, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, अब जो है थोड़ा बहुत खड़ा हो ले रहा है। और इसको जो मैंने दवाइयाँ दी हैं, मेट्रोजिल और एक ऑफ्लॉक्सिन आता है, और दूसरा कुछ मल्टीविटामिंस मैंने दिए हैं, जो कबूतर अब मेरा रिकवरी हो गया और अच्छे से हो गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और वो जो पहले जो बीट कर रहा था, बिल्कुल हरी था, लेकिन अब बीट जो है वही वाला कबूतर है, बिल्कुल सही से किया है। और उसने दाना भी खाया है, देखिए दाना उसने गिराया है, जब उसने चोच मारा होगा तो ये दाना सब गिरे हैं। तो इसी तरह ट्रीटमेंट करते रहिए, कि अगर आपको सही लक्षण मिल जाता है, और किसी भी बीमारी का आपको मेडिकेशन मालूम है, और उसको उसी बीमारी के हिसाब से अच्छे डोज में वो देते हो, तो आपका पिजन जो है बहुत अच्छे से और जल्दी से रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ दिन जो है आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, देखभाल आपको करनी पड़ेगी। और मैंने 2 दिन उसको बिल्कुल खाना बिल्कुल नहीं दिया था, ना दाना दिया ना पानी। जब मैंने देखा थोड़ा सा रिकवरी हो गया है, तब मैंने उसको दाना पानी देना शुरू किया, और अब वो बिल्कुल सही हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय।